भाइयों, स्वराज 855 फोर व्हील ड्राइव 13 के हल हैं और दोनों लीवर आप देख सकते हो फुल डाउन है। दोनों लीवर फुल डाउन करके ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हो कल्टीवेटर कितना लगा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं कल्टीवेटर के बारे में, कल्टीवेटर कितना लगा हुआ है। ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। आपको मैं आरपीएम ड्रॉपेज भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए आरपीएम इसके 10:30-11 है और जैसे मैं क्लच छोड़ता हूँ आरपीएम 10 पे ही रहता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अब मैं गियर चेंज करता हूँ, अब मैं लगाता हूँ मीडियम का दूसरा। ये देखिए वापस से सुई 10 पे ही आ गई है और आप देख सकते हैं दोनों लीवर फुल डाउन है और आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं दबता है। ये देखिए इस ट्रैक्टर के भाइयों जो जुताई का गियर है वो मीडियम का दूसरा ही है जो कंपनी वालों ने बताया है और ट्रैक्टर मीडियम के दूसरे में चला हुआ है। 13 के हल हैं, आप देख सकते हैं दोनों लीवर डाउन करने के बाद ट्रैक्टर की क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है आपके सामने। सेंसिंग भी ट्रैक्टर की बहुत अच्छी है, जहाँ पर ट्रैक्टर थोड़ा सा दबता है वहीं वो सेंस करके अपने आप कल्टीवेटर को ऊपर कर देता है। दोस्तों अब दौर चेंज हो चुका है, अब फोर व्हील ड्राइव का ही ज़माना आ चुका है। अब जो मेरे किसान भाई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वो 50 HP टू व्हील ड्राइव ना लेकर के 45 HP का फोर व्हील ड्राइव ले लें तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि 4x4 होने की वजह से ट्रैक्टर पूरी ताकत लगाता है। अगर मैं इसी ट्रैक्टर को आपको दिखाऊं कि मैं इसको अभी टू व्हील ड्राइव में करता हूं तो आप देख पाओगे कि ट्रैक्टर की स्लिपेज बढ़ जाएगी और वो खट्टे करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों मैं इसका अब 4x4 बंद कर दिया है। अब आप देखिए 4x4 बंद होने की वजह से ट्रैक्टर के 4x4 बंद होने की वजह से ट्रैक्टर स्लिप करके खड्डे बना करके बंद हो गया। तो जो भी किसान भाई है वो आगे से अगर हो सके तो फोर व्हील ड्राइव ही खरीदे। अब देखिए मैं इसको फोर व्हील ड्राइव में फिर से स्टार्ट करता हूँ और ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों लीवर अभी भी दोनों डाउन है, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है और जैसे ही फोर व्हील ड्राइव लगाया ट्रैक्टर फिर से अपनी परफॉर्मेंस पर आ चुका है, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव होने की वजह से ट्रैक्टर को पूरा ट्रैक्शन मिलता है और ट्रैक्शन पूरा मिलने की वजह से वो स्लिपेज कम हो जाती है, पावर पूरी यूज़ में आती है और ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोड को खींच सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें अपना सजेशन दे सकते हैं।
और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है आप ये हमें अपने कमेंट्स में बताएं, और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो बनाएं।